दोस्तों, जैसा कि आपको पता ही है कि हम आपके लिए काफ़ी सारी ऐसी वीडियो लेकर आते हैं जिसमें हम आपकी काफ़ी सारी समस्या का समाधान करते हैं। जैसे कि पेटीएम के रिगार्डिंग कोई आपको समस्या आती है या किसी और ऐप के रिगार्डिंग आपको समस्या आती है तो हम उसका समाधान करते हैं। तो आज मैं फिर से लेकर आया हूँ एक और न्यू वीडियो। जैसा कि आपको पेटीएम पर एक और समस्या देखने को मिलती है कि आपका पेटीएम का अकाउंट हो जाता है ब्लॉक, लेकिन उससे पहले आपका एक फ़र्ज बनता है कि आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि टेलीग्राम पर मैं सबसे पहले आपको ऑफर्स, डील, बग ऑफर और भी काफ़ी सी आपको जानकारी सबसे पहले प्रोवाइड करता हूँ। तो लिंक मैंने नीचे वीडियो का डिस्क्रिप्शन दिया है, आप जाकर हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। और अगर आप ऐसी डेली वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जैसे आप अपना अकाउंट लॉगिन करने की कोशिश करते हैं तो आगे से आपको लिखा आता है सिक्योरिटी अलर्ट, आपने कुछ स्पेसी एक्टिविटी की है, आपके अकाउंट को सिक्योर करने के लिए हमने आपका अकाउंट ब्लॉक कर दिया है। और नीचे लिखा आता है आप कॉन्टैक्ट कीजिए कस्टमर केयर को। अब दोस्तों, पेटीएम अकाउंट ब्लॉक होने के काफ़ी ज़्यादा रीज़न हो सकते हैं। दोस्तों, जैसा कि अगर आप किसी ऑफर को लूटने के चक्कर में किसी भी यूट्यूबर की वीडियो देखकर आप अनलिमिटेड लूट लगा रहे हैं, आप सेम अकाउंट में बार बार पैसा सेंड कर रहे हैं, या आप कुछ इनवैलिड एक्टिविटी कर रहे हैं, या आप कुछ स्पेसिफिक एक्टिविटी कर रहे हैं, अगर पेटीएम को पता चलता है तो दोस्तों एक बार तो आपको मिलेगी वार्निंग, लेकिन दूसरी बार हो जाएगा आपका अकाउंट ब्लॉक। तो दोस्तों, एक ये भी रीज़न होता है। हालांकि कभी कभी आपको वार्निंग भी नहीं मिलती, सीधा ही आपका अकाउंट ब्लॉक कर दिया जाता है। तो आप ऐसी गलती मत करना। दोस्तों, पेटीएम ब्लॉक होने का दूसरा रीज़न ये भी हो सकता है कि अगर आपके पास हैं काफ़ी सारी सिम या काफ़ी सारे पेटीएम अकाउंट, आप हर रोज़ लॉग आउट लॉगिन कर ऐसे गेमें खेलते रहते हैं, आप करते रहते हैं ऐसे काम, तो भी पेटीएम हो जाता शक, क्योंकि पेटीएम को पता चल जाता है कि एक IMEI नंबर से ही, एक कनेक्शन से ही, एक IP एड्रेस से ही ये सब कुछ हो रहा है, तो यहाँ पर कुछ गड़बड़ है। तो पेटीएम इसकी जाँच करता है, उनकी बैक एंड टीम जाँच करती है। अगर उनको कुछ प्रूफ मिल जाता है कि आप इनवैलिड एक्टिविटी कर रहे हैं या आप ऐसा कुछ कर रहे हैं, तो भी आपका अकाउंट ब्लॉक हो जाता है। दोस्तों, पेटीएम अकाउंट ब्लॉक होने का एक रीज़न और भी होता है। जैसे कि अगर आप मनी एक्सेप्ट करते हैं काफ़ी ज़्यादा, और दोस्तों आपने किसी के साथ फ्रॉड कर दिया है या आपके खिलाफ किसी ने कोई कंप्लेंट कर दिया है पेटीएम की बैंकिंग टीम को, साइबर सेल टीम को, तो भी दोस्तों आपके पूरे पूरे पेटीएम अकाउंट को वो रिव्यू कर देखते हैं और वो उनकी ट्रांजेक्शन मोनिटर करते हैं कि क्या वो सच बोल रहा है। अगर दोस्तों कंप्लेंट करने वाला बिल्कुल सच बोल रहा है तो भी आपका अकाउंट ब्लॉक हो जाता है। पेटीएम अकाउंट ब्लॉक होने का एक रीज़न और होता है कि अगर आप कोई फ्रॉड वाला काम करते हैं, दोस्तों काफ़ी सारे ऐसे भी काम करते हैं लोग, अगर आप कोई फ्रॉड वाला काम करते हैं और आप काफ़ी ज़्यादा ऐसा काम कर रहे हैं, आपके खिलाफ काफ़ी ज़्यादा कंप्लेंटें हो रही हैं, तो भी आपका अकाउंट ब्लॉक हो जाता है। तो ये सब रीज़न होते हैं पेटीएम ब्लॉक होने के। हालांकि कुछ और रीज़न भी हो सकते हैं, अगर आपको लगता है कोई और भी रीज़न है तो आप उसके बारे में वीडियो कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। तो आज के वीडियो यहाँ तक थी। अगर आपको वीडियो अच्छी, वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आप चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी वीडियो लाता रहता हूं।